जो भी मेरे ज़िला सोनभद्र के लोग होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे हम आए हैं, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और इधर हमारे छोटी वाली मौसी जी का घर पड़ता है, तो वही हम जा रहे हैं आज। तो देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, ये पूरा बच्चों के खेलने उलने वाला जगह है। और वहाँ देखिए सब लोग अपने बैठे हैं, देखिए कितना बढ़िया मंजिला बन रहा है। धूप बहुत ज़्यादा है बट क्या करें, बना ही था तो वो बनना आने लगे हम लोग। धूप को नहीं देखे, देख सकते हैं हालत क्या हुआ है। और थोड़ा हम मतलब शॉर्टकट रास्ते से आए हैं ताकि जल्दी से पहुँच सकें, ठीक है। ओके बाय बाय। बाय बाय नहीं, अभी पहुँच के दिखाती हूँ कौन कौन है, तब अच्छा लगेगा। अभी तो बन ही रहा है, अभी अगले साल आया था ना तो बन ही रहा था। अच्छा कार्यालय बनेगा, बाय बाय। कार्यालय थोड़ी है, खोलो हम तो सच बन रहे चलो। इधर आओ, आओ जल्दी आओ, आओ फटाक से यार। तो सो गाइस, जैसे कि हमने बताया था कि चल रहे मौसी के यहाँ, तो मौसी के यहाँ आ चुके हैं और नाश्ता पानी हो चुका, तो आ गए हैं किचन में। मौसी रूम बोले कि अब रुक जाइए, बनाते हैं मतलब सेतू वाली बाटी, तो फिर खा के तब जाना। तो रुक गए हैं, लालची मत समझिएगा आप लोग, बट बड़ों का रिस्पेक्ट। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपने मौसी के यहाँ आई हूँ, तो गाइस आ चुकी हूँ, नाश्ता पानी हो चुका है मेरा और आराम भी, तो बातें होते हो चुकी हैं हमारी मौसी का। देख सकते हैं मौसी बोले कि अभी मत जाओ, जा रहे हैं सत्तू वाली बाटी बनाने, खा पी के तब जाना। और उसके बाद तब वही रुक गए, तो हम लोग आ गए हैं किचन में। किचन में बनाना स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो इधर अभी अभी पीसी है मौसी चना, मतलब घर पे ही सत्तू इसका बनाई है। और इधर मेरा लहसुन प्याज कट भी चुका है, इधर चोखा के लिए आलू बैंगन टमाटर, और उधर कुकर में है गाइस, नहीं दिख रहा है, रुकिए बैक कैमरा करके। तो गाइस इधर मतलब आलू बैंगन आलू टमाटर अब उबलने जा रहा है, और इधर रहा मेरा आलू उबल गया है, अभी इसको चल रहे हैं छीलने, बहुत ज़्यादा ही उबल गया, दो तीन सीटी हम लोग लगवा दिए ना। गाइस इधर हम मतलब ये लहसुन प्याज मिर्चा ले लिए हैं, अदरक अभी अदरक का रेसिपी बना के इसमें मिक्स करना है, और ये रहा सत्तू, तो ये सब है। इधर आलू को छील रहे हैं चोखा बनाने के लिए। तो सो गाइस मेरा आलू और मतलब छील लिए हैं, और इधर देख सकते हैं सब कुछ मिक्स हो चुका है, जैसे कि थोड़ा सा मिर्च, ओ अमचूर, नींबू और बाकी वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ। मिर्चा हरा अभी कटेगा ना, लहसुन हो गया। इसके लिए प्याज नहीं रखे हैं क्या, चोखा के लिए? अच्छा ठीक है। ये रहा टमाटर और बैगन गाइस, तो क्या करें, हम मार्केट में यही सब मिलेगा मतलब गैस पे उबाल के ही,
घर थोड़ी है गांव देहात की, वो ऊपरी लकड़ी से आपको भुजा हुआ मस्त मिलेगा। चल रहे हैं छिलने। सो गाइस टमाटर को छील लिए हैं, छिलका इधर रख दिए हैं कुकर में। तो इसको अभी बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल जा रहा है मेरा, अभी नहीं वो करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्स कर देंगे। तब तक मिक्स कर ले रहे हैं वो आलू। सो गाइस तब हम चल रहे हैं भरने, मतलब वो बाटी बनाने। देख सकते हैं आप लोग सब कुछ रेडी है। राज का रसना हो नाने गाली नहीं दी है, मामा कह रहे जबरदस्ती गाली दिया हमको। कोई सौ तो कोई सवा सौ, तन के से कहा हो बैठे ना। तो सो गाइस ये सब देखिए बना रही हूँ, क्या बन गया, और उधर फ्राई हो रहा है। बाप रे बन चुका है और हम चल रहे हैं खाने, क्योंकि हमको यहाँ से जाना भी है, इसलिए तो बने रहिएगा आप लोग। ये रहा मखनी की बाटी और चोखा, जल्दी खाओ।